सो हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज आइटम लिसनर इंटरफेस। सो आज हम देखेंगे आइटम लिसनर इंटरफेस का एक प्रोग्राम, सो हाउ इट कैन बी यूज। सो दिस इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ इंटरफेस जो कि आइटम्स रहते हैं, जो भी AWD के कंपोनेंट या फिर स्विंग के जो कंपोनेंट्स है उसमें जो आइटम रहते हैं उसके लिए आइटम लिसनर इंटरफेस यूज होता है, जिसपे हम कुछ इवेंट परफॉर्म करने के लिए। सो आइटम लिसनर इंटरफेस का यूज करने के लिए आपको आइटम लिसनर क्लास भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आइटम लिसनर इंटरफेस में कौन सी मेथड यूज होती है वो यहाँ पे दी है। तो void item state चेंज, दैट इज द आइटम इवेंट आई। सो आइटम लिसनर इंटरफेस से जो आइटम स्टेट चेंज ये यूज होता है, जैसे अभी मान लो कि AWT में जो भी कॉम्पोनेंट है जिसमें आइटम यूज होते हैं, जैसे चेकबॉक्स, तो चेकबॉक्स में जो एक एक चेकबॉक्स रहते हो रहते हैं आइटम, जैसे चॉइस लिस्ट उसमें जो आइटम रहते हैं दैट आर द आइटम। तो जैसे हमने मान लीजिए कि हम चॉइस लिस्ट पे दिखा रहे हैं आपको, कंट्री के चॉइस लिस्ट ओपन हो रही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जिससे आप क्लिक करेंगे तो नीचे मैसेज आना चाहिए कि यू हैव सिलेक्टेड दिस, ओके। तो वैसे टाइप से हमने प्रोग्राम देखी है लेकिन इवेंट वाले प्रोग्राम नहीं देखे, तो हम इसमें इवेंट वाला प्रोग्राम देखते हैं बाय यूजिंग द आइटम लिसनर इंटरफेस, ओके। जस्ट वी गो फॉर द नेटबीन, यहाँ पे आप न्यू प्रोग्राम ओपन करना है, राइट क्लिक करना, न्यू, एप्लेट लो या स्विंग लो। जैसे मैं एप्लेट के ही कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ तो मैं एप्लेट लेता हूँ, यहाँ पे AWD कंपोनेंट्स यूज कर रहा हूँ मैं इसलिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ चॉइस इवेंट, चॉइस इवेंट नाम का क्लास लेता हूँ, चॉइस इवेंट डेमो, ओके। सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रोग्राम दिखाऊंगा चॉइस लिस्ट वाला, जो हमने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट में देखा है। import java.applet, public class, class name extend applet, उसके बाद initialization method, ओके। तो आप यहाँ पे चॉइस डिक्लेयर कर सकते हो, चॉइस सी, देन इनिशियलाइजेशन करो उसको, ओके। सी इज इक्वल टू न्यू चॉइस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन उस ऑब्जेक्ट में आपको आइटम ऐड करना है। तो ऐड आइटम टू द सी, ओके, सी डॉट ऐड आइटम, मैं कंट्री के नाम, सॉरी मैं कलर्स के नाम लेता हूँ, पिंक, देन C dot add item pink red add item blue, okay, तीन मैंने आइटम डाल दिए और उसको ऐड करना है आपको इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ सी को ऐड करना है, सी, सॉरी ऐड ऑफ सी करना है, ऑब्जेक्ट में कंपोनेंट में ऐड करना है सी, ऐड ऑफ सी, ओके। तो ये प्रोग्राम हो गया ऑलमोस्ट, तो उसको हम रन करके देखते हैं, चॉइस इवेंट डेमो, तो डिस्प्ले करेगा चॉइस लिस्ट, ठीक है। तो ये चॉइस लिस्ट आगे इसमें आइटम शो कर रहे हैं, देखो पिंक रेड ब्लू,
तो मुझे ऐसा चाहिए इसमें, अभी आपको इवेंट इंटरफेस यूज करना है, मतलब आइटम लिस्नर इंटरफेस। जो आइटम लिस्नर इंटरफेस सिर्फ आइटम पे ही यूज होता है। अब देखो ये आइटम ही है, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने क्लिक किया कि पिंग पे, तो नीचे मैसेज आना चाहिए कि यू हैव सिलेक्टेड पिंग। ओके, सो जब क्लिक पे जो भी परफॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम इवेंट, तो ये इवेंट जनरेट होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया तो इवेंट जनरेट होना चाहिए, इसलिए हम इस यूनिट में कॉल रहे इवेंट जनरेशन। तो इसमें इवेंट हैंडलिंग का क्लास आइटम इवेंट यूज होता है, और इंटरफेस जो यूज होता है वो है आइटम लिस्नर इंटरफेस। ओके, तो मुझे अभी इवेंट क्लास इंपोर्ट करना है, इवेंट पैकेज। ओके, इंपोर्ट AWD डॉट इवेंट, देन पब्लिक क्लास क्लास नेम एक्सटेंड एप्लेट इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट, आपको आइटम लिस्नर इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट आइटम लिस्नर। ओके, देन मुझे कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, इसलिए मैं स्ट्रिंग लेता हूँ। डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग MSG से, क्योंकि यू हैव सिलेक्टेड दिस, ऐसा आना चाहिए। ओके, देन आइटम ऐड कर दिए। उसके बाद आपको जो चॉइस है उसको ऐड करना है आइटम लिस्नर दिस के साथ, मीन्स दिस कीवर्ड के साथ, और ऐड आइटम लिस्नर। ओके, जैसे हमने बटन में किए थे वैसे, सी डॉट ऐड आइटम लिस्नर इंटरफेस ऑफ दिस। ओके, तो जो भी जनरेट हो जाएंगे इवेंट, वो क्या परफॉर्म करना है उसके लिए हम डेफिनेशन आगे लिखेंगे। ये इवेंट जनरेशन जनरेट करने के लिए दिस लिखना जरूरी है। ओके, आइटम लिस्नर इन द ऐड आइटम लिस्नर इन द ऑफ दिस इवेंट जनरेशन के लिए, दैट इज टू रिसीव द आइटम इवेंट। तो ये आइटम इवेंट रिसीव करता है। उसके बाद आपको मेथड लिखनी है, कौन सी जो अभी मैंने दिखाई थी आइटम लिस्नर में, ये मेथड यूज होती है, कौन सी, वॉइड आइटम स्टेट चेंज। ओके, वॉइड आइटम स्टेट चेंज। तो पब्लिक बटन में हमने लिखा था एक्शन परफॉर्म, पब्लिक यही ऐड रखना है आपको। बटन में एक्शन परफॉर्म यूज होता है, एक्शन लिस्नर यूज होता है, और आइटम लिस्नर में आइटम स्टेट चेंज मेथड यूज होती है, ये ऐड रखना है आपको। देन आइटम स्टेट चेंज ऑफ आइटम इवेंट, दिस इज द क्लास आइटम इवेंट आई ई, क्रिएट ऑब्जेक्ट आई ई। ओके, देन रीपेंट, क्योंकि हम एप्लेट के में स्ट्रिंग जो अगर डिस्प्ले करना है एप्लेट में, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड, मतलब पेंट मेथड यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने उसमें रीपेंट कर दिया है। उसके बाद पब्लिक वॉइड पेंट मेथड यूज करना है अभी मुझे, वॉइड पब्लिक वॉइड पेंट, क्योंकि ग्राफिक्स क्लास यूज करके मुझे जी डॉट स्ट्रिंग यूज करना है, इसलिए ग्राफिक्स जी। देन MSG मैसेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मैसेज लिखता कि यू हैव सिलेक्टेड। अब यू हैव सिलेक्टेड वो डिस्प्ले होगा, लेकिन उसके आगे जो मैसेज आएगा वो क्या आना चाहिए, कि जो आपने आइटम सिलेक्ट किया उसका टेक्स्ट आना चाहिए। जो आपने आइटम सिलेक्ट किया उसका अगर टेक्स्ट आना है, तो आइटम में चॉइस में एक मेथड है, कौन सी, गेट सिलेक्टेड आइटम। ओके, गेट सिलेक्टेड आइटम मतलब उसका वो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैसेज प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, कॉन्केटनेशन। ओके, सी डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, गेट सिलेक्टेड आइटम। ओके, ये मेथड कॉल करते हैं। देन जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग टू डिस्प्ले द मैसेज। ओके, डिस्प्ले द स्ट्रिंग। तो इसमें MSG मैसेज प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है, मैसेज इज इक्वल टू मैसेज प्लस सी डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, जो भी आप आइटम सिलेक्ट करेंगे उसका टेक्स्ट मिल जाएगा। इसके साइज दे दो, मैं देता हूँ 10 और यहाँ पे लिखता हूँ 120। ओके, कहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले होना है, इसके साइज है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो यू हैव सिलेक्टेड के सामने गेट
सिलेक्टेड आइटम वो आना चाहिए। ठीक है, तो अपना प्रोग्राम रेडी है। अब इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, एक्सटेंड सेपरेट इंप्लीमेंट आइटम लिस्नर पब्लिक क्लास क्लास नेम एक्सटेंड सेपरेट इंप्लीमेंट आइटम लिस्नर, तो स्पेलिंग मिस्टेक मैं चेक कर लेता हूँ। आइटम लिस्ट के लाइक सी एस लिस्ट एन ई आर आइटम लिस्नर बराबर है पब्लिक वर्ड रिसेंट क्लास यहाँ पे फिनिश हुआ है पब्लिक क्लास आइटम लिस्नर क्या दिख रहा है इंप्लीमेंट और पब्लिक वर्ड आइटम स्टेट चेंज। ओके तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ है स्टेट टी ए। ओके अभी एरर निकल गया, चलो अभी हम इसको रन करते हैं चॉइस आइटम सेवन डे में। ओके तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आया यू हैव सिलेक्टेड पिंक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पिंक है इसलिए। देन मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक किया तो यू हैव सिलेक्टेड रेड। ओके तो ये इवेंट जनरेट हो गया। ब्लू पे सिलेक्ट किया तो यू हैव सिलेक्टेड ब्लू।